जी अब हम करते हैं बुक रीडिंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ सोडियम। सोडियम पोटेशियम अलॉय इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कूलेंट ऐसा सब्सटेंस जो हीट को एब्जॉर्ब करता हो। सोडियम पोटेशियम अलॉय एज अ कूलेंट यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर लैम्प। ये सोडियम वेपर लैम्प में येलो लाइट को प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक टाइटेनियम। ये मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ की जाती है सोडियम मेटल लाइक टाइटेनियम। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ यूज इन फ्लैश लाइट बल्ब्स एंड इन फायर वर्कस। मैग्नीशियम यूज़ की जाती है फ्लैश लाइट बल्ब्स में और फायर वर्कस में। फायर वर्क कहते हैं स्टूडेंट्स आतिशबाजी को। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट अलाइज। ये लाइट अलाय बनाने के लिए यूज़ की जाती है। जब हैवी अलाय ना बनाने हों लाइट अलाय बनाने हों तो मैग्नीशियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो है ये थर्माइट प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं एलुमिनियम पाउडर को जलाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वन है मैग्नीशियम इज़ यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। क्रोजन से बचने के लिए मैग्नीशियम यूज़ की जाती है एज एनोड। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ कैल्शियम। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नेचुरल गैस पेट्रोल डीजल एट्सेट्रा ये इनमें से सल्फर को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम यूरेनियम एंड जर्कोनियम। क्रोमियम यूरेनियम एंड जर्कोनियम को प्रोड्यूस करवाने के लिए यह एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ की जाती है कैल्शियम। स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इनमें से एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। क्लियर क्लास। स्टूडेंट्स इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स क्या है। एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। ऐसे एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो यानी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का प्रोसेस हो रहा हो कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मेटल कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स और डी ग्रुप एलिमेंट। ऐसी जो मेटल्स होती हैं ऐसे ग्रुप की मेटल्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं या डी ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है ट्रांजिशन मेटल्स या डी ग्रुप एलिमेंट्स किसे कहते हैं। दे एग्जिबिट अ वराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल्स क्या करती हैं इन एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं वराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ हैं फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या करती हैं कौन से एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में। There are three series of transition elements, each series consisting of 10 element. यहाँ three series हैं transition elements की और हर series जो हैं वो 10 elements पर मुश्तमिल है। Chemical behavior of first transition series is similar to active metal except copper. Active metal कहते हैं ऐसी metal जो easily react कर सकें। Chemical behavior first transition series का जो है वो मिलता जुलता active metal से copper के अलावा। थ्री ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 11 आर कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। तीन ट्रांजिशन मेटल्स जो ग्रुप 11 से बिलोंग करती हैं उनमें कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड है। आउट ऑफ देम गोल्ड एंड सिल्वर आर रिलेटिवली इनएक्टिव मेटल्स बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली। कॉपर के अलावा गोल्ड एंड सिल्वर इनएक्टिव मेटल हैं क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज नहीं करती। सिल्वर इज़ अ वाइट लस्टर्स मेटल। सिल्वर कैसी मेटल है स्टूडेंट्स इन नोबल मेटल्स हमने डिस्कस की थी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम है। उनमें सबसे पहले हम सिल्वर डिस्कस करते हैं। अब सिल्वर की ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है इट इज़ वाइट लस्टर्स मेटल। ये वाइट चमकदार मेटल होती है वाइट कलर की। इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड वन इसकी प्रॉपर्टी है ये गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। थर्ड वन फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट होगी। इट इज़ आल्सो हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल। ये हाईली डक्टाइल डक्टाइल बीन के इसको वायर में चेंज किया जा सकता है। मेलिएबल इसको प्रेस करके इसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं विदाउट ब्रेकिंग। ये हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल है। इट्स पॉलिश्ड सर्फेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इसकी चमकदार सर्फेस लाइट गुड रिफ्लेक्टर है लाइट की। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड ऑन इट्स सर्फेस मेक इट मोर इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। स्टूडेंट्स ऑक्साइड या सल्फाइड की अगर कोटिंग हो जाए सिल्वर की सरफेस के ऊपर तो ये अनरिएक्टिव बना देती हैं उसको। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर नॉर्मल कंडीशन में अगर हवा में नमी ना हो एयर डज़ नॉट इफेक्ट एयर इफेक्ट नहीं सिल्वर को। इट टार्निशेज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सिल्वर मेटल को टार्निश कर देते हैं अगर
एटमॉस्फेयर में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड मीन हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद हो। टार्निश कहते हैं मेटल को, मेटल की सरफेस को डल कर देना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट, ये तो थी बेटा प्रॉपर्टीज़, ये नेक्स्ट हमारे पास हैं यूजेस। यूजेस यहाँ से आप यूजेस की हेडिंग देंगे, यूजेस ऑफ सिल्वर मेटल बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल, यहाँ से यूजेस स्टार्ट होते हैं। इट इज़ रेयरली यूज्ड एज सच, सॉफ्ट मेटल होने की वजह से ये बहुत प्योर फॉर्म में कम यूज़ की जाती है। अलॉय ऑफ सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉइंस। अलॉय जो है, सिल्वर कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिक्के बनाने के लिए। सिल्वर वेयर, सिल्वर की चीज़ें मीन कटलरी सेट बनाने के लिए या डेकोरेशन पीस बनाने के लिए। ऑर्नामेंट्स कहते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी की आइटम्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सिल्वर कॉपर अलॉय यूज़ किया जाता है। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म, कंपाउंड्स सिल्वर के फोटोग्राफिक फिल्म में यूज़ किए जाते हैं। एंड डेंटल प्रिपरेशन, दांतों की सफाई में यूज़ किए जाते हैं। सिल्वर आल्सो हैज़ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मिरर इंडस्ट्री, सिल्वर की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मिरर इंडस्ट्री भी है में है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूजेस ऑफ सिल्वर ख़त्म हो जाते हैं, गोल्ड स्टार्ट होता है। यहाँ स्टूडेंट्स गोल्ड क्या है, ये येलो सॉफ्ट मेटल है, ये येलो कलर की सॉफ्ट मेटल होगी। इट इज़ मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल दी मेटल, ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है तमाम मेटल के मुकाबले में। 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड कैन बी ड्रॉन इन टू वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। 1 ग्राम जो गोल्ड है अगर उसको डक्टाइल किया जा सके, उसको वायर बनाई जा सके, तो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनेगी। गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल, ये बहुत नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एटमोसफेयर, इस पर एटमोसफेयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाई एनी सिंगल मिनरल, एसिड और बेस, इस पर ना किसी एसिड या बेस के सोलूशन का इस पर कोई इफेक्ट होता है। ये तो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ है बिकॉज ऑफ इट्स, से यहाँ से इसके यूजेस स्टार्ट होंगे। बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमोसफेयर, इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल एज वेल एज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। इसके इनर्टनेस एटमॉस्फेयर में, इसके इनर्टनेस की वजह से ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं और सिक्के बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये बहुत पायदार मेटल है, ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करती। गोल्ड इज़ सो टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच, गोल्ड बहुत नरम होने की वजह से सॉफ्ट प्योर फॉर्म में कम यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर सिल्वर और सम अदर मेटल, ये हमेशा अलॉय की फॉर्म में यूज़ की जाती है कॉपर सिल्वर या दूसरी मेटल्स के साथ। स्टूडेंट्स डू यू नो प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज़ शोन बाय कैरेट्स दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज़ प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ अलॉय। प्योरिटी गोल्ड की कैरेट्स में शो की जाती है जो कि इंडिकेट करते हैं कितने पार्ट्स बाय वेट गोल्ड जो है प्रेजेंट है 24 पार्ट ऑफ अलॉय में, यानी उस 24 कैरेट्स में कितने पार्ट्स जो हैं वो गोल्ड प्रेजेंट है। 24 कैरेट गोल्ड इज़ प्योर, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है। 22 कैरेट गोल्ड मीन दैट 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड इज़ अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर सिल्वर और कॉपर फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। 22 जो कैरेट गोल्ड होता है इसका मतलब है 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड के होंगे और 2% अलॉय इसमें मिक्स होगा सिल्वर कॉपर का, जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। वाइट गोल्ड इज़ ईट्स अलॉय वाइट गोल्ड विद प्लाडियम निकल और जिंक। वाइट गोल्ड का जो अलॉय है वो प्लाडियम निकल एंड और जिंक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है वो मेटल है, इसके यूजेस हैं। इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश। स्टूडेंट्स प्लैटिनम यूज़ की जाती है ज्वेलरी आइटम बनाने के लिए इसकी मुनफरद खसूसियात की वजह से, इसका कलर, इसकी खूबसूरती, स्ट्रेंथ कहते हैं इसकी मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी इसके चमकदार होने की वजह से, ये मेटल की सरफेस को डल नहीं करती। इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन्स, जेमस्टोन कीमती पत्थरों को कहते हैं, इन्हांसिंग देयर ब्रिलियंस, कीमती पत्थर और डायमंड की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है सिक्योर सेटिंग के लिए प्लैटिनम, प्लैटिनम के फ्रेम बनाए जाते हैं। एन अलॉय ऑफ प्लैटिनम, प्लैडियम एंड रोडियम इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स। प्लैटिनम अलॉय जो है वो प्लैडियम रोडियम मेटल के साथ फिजिकली कंबाइन होकर बनता है, इसे ऑटोमोबाइल्स में कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या काम करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड
बींग एमिटेड, जो कि खारिज होती हैं बाई व्हीकल्स व्हीकल से इंटू लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, गैसेस को, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो कि व्हीकल से निकलती हैं इनको लेस टॉक्सिक बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कैटालिटिक कन्वर्टर और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स में। प्लैटिनम जो यूज़ की जाती है प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग, हार्ड डिस्क जो हार्ड डिस्क के कवर्स बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। प्लैटिनम इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर ग्लास, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक एंड ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में LCDs होती हैं इनकी प्लास्टिक और इसका ग्लास बनाने के लिए फ़ाइबर ग्लास में प्लैटिनम शामिल की जाती है ताकि फ़ाइबर ग्लास ज़्यादा मजबूत हो सके।